नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चीनिया क्लासेस पर। तो अपने कर रहे थे कक्षा दसवीं की गणित और चैप्टर अपना था वास्तविक संख्या रियल नंबर। तो कल अपने जो टॉपिक समझ रहे थे वो बीच में रह गया था और आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो कल अपने समझ रहे थे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, सबसे पहले अपने ये देखा था कि वास्तविक नंबर या रियल संख्या या रियल नंबर क्या होते हैं, उसके बारे में थोड़ा बेसिक जानकारी पे चर्चा करी थी। उसके बाद में अपने समझ रहे थे कि ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो ये फॉर्मूला बना है a बराबर bq प्लस r, ये कहाँ से आया और किस प्रकार से आया, तो उसको थोड़ा सा अपने रिपीट करते हैं, फिर इसको आगे कंटिन्यू एड ऑन करेंगे। तो देखिए, अपने समझ रहे थे कि जैसे अपने कोई भी संख्या भाग में भाग दे रहे हैं, जैसे 25 है, 25 के अंदर अपने मान लो 4 का भाग दे रहे हैं। तो देखिए, अपने इसमें भाग देंगे तो कितने तक जाएगा, 6 × 24 माइनस करेंगे 1। अब ये मैंने भाग दे दिया, तो यहाँ पे मैंने कुछ क्रम बताई थी, जैसे ये इस संख्या को क्या कहते हैं, जो ये लिखा हुआ है 4, इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भाजक। ये जो 6 लिखा हुआ है इसको बोलते हैं भागफल, और ये जो अंदर लिखा जाता है इसको बोलते हैं भाज्य, और ये जो एक नीचे बच रहा है इसको बोलते हैं शेषफल। तो भाग करने के लिए मैंने आपको बताया था कि कम से कम दो संख्या आपके पास होनी चाहिए। यदि आपको बोल दिया भाग करना है और आपको एक संख्या दे दी, आपको बोल दिया कि आपके पास एक संख्या है 10 और आप भाग कीजिए, तो आप भाग नहीं कर सकते। कम से कम आपके पास कितनी संख्या होनी चाहिए, दो संख्या, तो आप भाग किसी भी संख्या का कर सकते। तो ये भाग कर दिया, जिसमें ये जो 4 यहाँ पे लिखा जाता है इसको बोला जाता है भाजक, इसको अंदर जो लिखा जाता है इसको बोला जाता है भाज्य, यहाँ पे जो लिखा जाता है उसको भागफल, और ये होता है शेषफल। अगर अपने बात करें अंग्रेजी में तो इसको बोला जाता है डिनोमिनेटर, ये होता है आपका डिविजिबल, ये होता है आपका क्वोशेंट, और ये होता है शेषफल यानी कि रिमाइंडर। अब मैंने भाग कर दिया, अब मेरे को ये बताना है कि जो मैंने भाग किया वो सही किया या नहीं किया, मेरे को ये प्रूफ करना है कि भाग जो मैंने किया वो एकदम सही किया। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए एक छोटा सा मेथड होता है। मेथड ये होता है कि जो अपने पास भाज्य होता है, यानी कि जो ये वाली संख्या है, ये मेरे को वापिस प्राप्त होनी चाहिए। अब ये प्राप्त कैसे होगी, इसको प्राप्त करने का मेथड ये होता है कि जो आपके पास भाजक था, इसको भी मैं साथ में लिख देता हूँ, जो भाजक था उसका मैं गुणा करता हूँ भागफल के साथ, और उसके प्लस में जो शेष को बचता है उसको मैं ऐड कर देता हूँ, भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल। यदि इनका मान इस मान के बराबर आ रहा है तो ये भाग मेरा सही होगा, अगर नहीं आ रहा है तो भाग मेरा गलत होगा। तो देखिए करते हैं, भाजक मेरे पास कितना है 4, गुणा में क्या है भागफल, भागफल कितना है 6, और प्लस में क्या है शेष, यानी कि शेष कितना है 1। इनको हल करेंगे तो 6 × 4 = 24 और प्लस में 1 यानी कितना हो जाएगा 25। तो क्या ये 25 और इसके बराबर 25 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब जो अपने भाग किया वो क्या किया है, सही किया है। और इस चीज को वो अब लिख रहा है फॉर्मूले के रूप में, और ये फॉर्मूला ही आपका क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इस फॉर्मूले को उसने लिख दिया, कैसे लिख दिया, देखिए मैं इसको फिर से लिख देता हूँ। आपके पास है a बराबर bq प्लस r, a को उसने क्या लिख दिया, a को लिख दिया उसने भाज्य, बराबर बी हो गया आपका भाजक, बी आपका हो गया भाजक, गुणा में क्यू हो गया क्वोशेंट, मैंने आपको बताया था भागफल क्या कहते हैं इसमें, भागफल, और प्लस में क्या है शेषफल, इसको अंग्रेजी में कहते हैं रिमाइंडर, यानी कि आर का मतलब शेषफल, क्यू का मतलब भागफल, बी का मतलब भाजक, और ए का मतलब अच्छा, और ये ही आपका कहलाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यहाँ से आपका ये फॉर्मूला इस प्रकार से बना।
दूसरी बात यहाँ से आप चेक कर सकते हो, या अभी तक आपको पता नहीं था तो अब पता चल गया होगा कि भाग आपने कर लिया, उसके बावजूद आपको चेक करना है, डाउट है कि आपने जो भाग किया है वो गलत किया है या सही किया है, वो आप इस फॉर्मूले के द्वारा चेक कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आई होगी। फिर अपनी बात करते हैं, ये जो नीचे एक छोटी सी कंडीशन दे रही है, ये एक्चुअल में होती क्या है? आधे बच्चों को तो यहाँ पे प्रॉब्लम होती है कि सर ये सिंबल क्या होता है, इस प्रकार इसको समझाइए। तो देखिए यहाँ पे ज़्यादा कुछ लंबी चौड़ी कहानी है नहीं, जिस तरफ इसका मुंह खुला होता है इस प्रकार से, अब जैसे इस तरफ खुला है तो इसका मतलब इन दोनों को कंपेरिजन करें, इन दोनों का आर और बी का, तो यहाँ पे बी क्या होगा, बड़ा होगा किसकी तुलना में, इस आर की तुलना में, आर क्या हो जाएगा छोटा, यानी कि मैं यूँ लिख देता हूँ, इसको बोलेंगे कैसे, पांच बड़ा है किससे, चार से, क्योंकि पांच की तरफ मुंह खुला और चार की तरफ बंद है, या फिर अंग्रेजी में बोले इसको यूं बोलेंगे फाइव इज ग्रेटर देन ऑफ फोर, यानी कि पांच बड़ा है चार से, या यूं बोलेंगे चार छोटा है पांच से, फोर इज लेस देन ऑफ फाइव। फिर दूसरा इसने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर ये सिंबल लगा के फिर ये है आपका जीरो, यानी कि इसने यूं लिखा है आर, यानी कि पहली कंडीशन तो ये है कि ये आर जीरो से बड़ा है क्योंकि आर की तरफ मुंह खुला है। दूसरा ये जो नीचे चिन्ह है एक डंडा सा लगाया, इसको बोलते हैं बराबर का चिन्ह, यानी कि ये आर जीरो से बड़ा हो सकता है या बड़ा होगा, इसके अलावा आर का मान या आर जीरो के बराबर भी होगा, यानी कि आर का मान भी कुछ कंडीशन ऐसी आएगी जहाँ पे आर का मान जीरो होगा। तो यहाँ पे देखिए तीन कंडीशन बता रखी है कि आर का मान जीरो से बड़ा होगा, जीरो के बराबर हो सकता है, दूसरी कंडीशन। तीसरी ये है कि आर का मान बी से छोटा होगा और बी का मान आर से बड़ा होगा। अब इसको अगर लैंग्वेज में समझे तो ये बोल रहा है कि शेष फल है ना, शेष फल आपका जीरो हो सकता है, भाग आप करोगे तो आपको पता भी होगा क्योंकि भाग में कई बार शेष फल जीरो आ जाता है, शेष फल कभी भी जीरो से कम नहीं आएगा, अगर जीरो से कम हो जाएगा इसका मतलब वो संख्या कहाँ पे चली जाएगी, माइनस में, और कभी शेष फल माइनस में नहीं होता है। दूसरा उसने बोला है कि आर इज ग्रेटर देन ऑफ जीरो, यानी कि आर का मान शेष फल जीरो हो सकता है, जीरो से ज्यादा होगा, जीरो से कम नहीं होगा। फिर अगली कंडीशन ये बोला है कि ये जो बी है, बी अपने पास क्या है, देखिए बी को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, बी है भाजक, यानी कि जो ये वाली संख्या है ये हमेशा आर से बड़ा होगा, यानी कि आर ये जो इससे हमेशा ये बड़ा होगा, क्योंकि अगर ये इससे छोटा हो जाएगा तो आगे भाग फिर उड़ चला जाएगा। तो कंडीशन ये रहती है कि ये जो भाजक होता है वो हमेशा शेष फल से बड़ा होता है, यानी कि ये जो फाइनल कंडीशन होती है बाकी अंतिम कंडीशन के लिए ये चीज अप्लाई की जाती है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। तो क्या कुछ इसमें आपको करना है उसको समझते हैं। इसमें एक वर्ड आया है एचसीएफ, अब एचसीएफ क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये होता है इसका फुल फॉर्म। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फुल फॉर्म तो बता दिया, लेकिन आपको कैसे समझाया आएगा कि क्या होता है, इस चीज को एक बार हेल्ड ऑन करते हैं, यही इसको एक बार रोकते हैं, अगला जो टॉपिक करेंगे इसको पूरा करने के बाद में तो अपने समझेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम अलग से टॉपिक दे रखा है, क्या होता है तो उसको डिटेल में अपने समझेंगे और फिर उस पर करेंगे प्रश्न। अभी अपने इतना समझते हैं कि 616 और 6 का यूक्लिड वर्जन प्रमेय का के द्वारा एचसीएफ हमें किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे बस आपको एक छोटा सा पैटर्न ध्यान रखना है, उस पैटर्न के अनुसार ही आपको प्रश्न करना है और ज्यादा कुछ लंबी चौड़ी कहानी है नहीं, बहुत सिंपल मेथड रहेगा। सिंपल मेथड ये क्या रहेगा, अभी मैंने जैसे इससे पहले वाली क्लास में मैंने बताया था कि आपको जब भी भाग करना है तो भाग करने के लिए दो चीज रहती है आपके पास, दो संख्याएं। अब दो संख्याएं रहती है जिसमें आप क्या करते हो, बड़ी संख्या में हमेशा छोटी संख्या का भाग देते हो। तो ये यहाँ पे देखिए बड़ी संख्या कौन सी है, बेसिक सी बात है कि 616 हमेशा 6 से बड़ा होता है, तो जो बड़ा है उस तरफ मैंने क्या लिख दिया 616 इज ग्रेटर देन ऑफ 6, यानी कि 616 से छोटा है, या फिर ऐसे बोले 616 है वो 6 से बड़ा है। पहली कंडीशन तो इस प्रकार से आपको थोड़ा सा लिखना है, अगर लिख लोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या कर रहे हो, आप किसमें भाग दे रहे हो किसका, तो 616 में 6 का भाग दे रहे हो इस मेथड द्वारा। फिर देखिए आपके पास ये फॉर्मूला, आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, इसको साथ में आप लिखोगे, यहाँ पे आपको लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा,
लुईस ने बोला इस मेथड द्वारा आपको लिखना है, तो इसलिए अपने यूक्लिड वर्जन प्रमेयता के द्वारा इस चीज को हल कर रहे हैं, एचसीएफ ज्ञात कर रहे हैं। अपने पास एक्चुअल में फॉर्मूला है क्या उसको भी साथ में आपको लिखना पड़ेगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आपको बॉक्स नहीं बनाना है, ये केवल मैं आपको समझाने के लिए चीजें इस प्रकार से कर रहा हूँ, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब आपके पास देखिए दो चीज मैंने लिखी है, एक तो लिखा 616 और दूसरा लिखा 6। अब आपको ये चीज समझना चाहिए कि आपके पास यहाँ पे ए क्या है और बी क्या है, आर और क्यू वो कब आएंगे, जब आप भाग दोगे तो भागफल और शेष पर तो बाद में आते हैं। आपके पास तो दो ही चीज रहती है, एक तो भाज्य रहता है और एक भाजक रहता है। तो जो बड़ी संख्या होती है यानी कि जिसके अगर भाग दिया जाता है वो होता है आपका इन। अगर मैं इसको हिंदी में लिखूं उसके लिखेंगे अपने भाज्य, और दूसरा जो ये छह है ये आपका होता है बी यानी कि ये होता है आपका भाजक। ये आपको इस प्रकार से बिल्कुल भी नहीं लिखना है, ये रफ कार्य मैं बता रहा हूँ आपको समझाने के लिए। आपको वही काम करना है जो मैं यहाँ पे ब्लैक पेन से लिख रहा हूँ। तो आपको दो चीज समझ आ गई, आपके पास क्या है, एक तो भाज्य है और दूसरा है भाजक। बस इस मेथड को फॉलो करना है, आपको ए की जगह लिखना है 616 और बी की जगह लिखना है 6। लिख दिया। अब आपको क्या करना है, 616 के अंतर्गत 6 का भाग देना है, भाग दे दो 6 का 6, कितने बच गए 0, कितना आया ऊपर से 1, 1 में तो भाग जाएगा नहीं, 0 लगाया। तो देखिए 616 में जब भाग देंगे तो एक बार जाएगा 6 कम 6, फिर 0 1 उतारा और 1 में 6 का भाग जाता नहीं है, तो दोनों साथ में संख्या उतारने के लिए जब दो अंक एक साथ उतारते हैं तो वहाँ पे क्या लगता है 0 लगाया और नीचे आया 6 2 12, तो यहाँ पे फिर मैं अगर इसको हल करूँगा तो यहाँ पे आएगा 4। अब देखिए ये 6 बड़ा है 4 से यानी कि भाग आगे नहीं जाएगा, और ये कंडीशन अपनी यहाँ पड़ी थी कि ये बड़ा होता है 8 से अंतिम कंडीशन के लिए, और ये कंडीशन में प्राप्त हो जाती है तब भाग आगे नहीं जाता है। तो ये आपके पास हो गया शेषफल, ये आपके पास क्या हो गया भागफल, और ये आपके पास भाज्य और ये भाजक, ये दो चीज तुम्हें। तो बी आपने लिख दिया, बी की जगह लिख दिया 6। अब क्यू की जगह क्या लिखोगे, क्यू की जगह आपके पास कितना है 102 और प्लस आर कितना है 4। अब इस चीज को आप रिपीट करते जाओगे बार बार, कब तक करते जाओगे, जब तक यहाँ पे आपके पास r का मान 0 यानी कि सीधा साकर बोले तो शेष फल आपके पास भाग में 0 जब तक न आ जाए तब तक अपनी प्रोसीजर को आगे से आगे करते जाएंगे, 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप जितने स्टेप तक चला जाए, यानी कि r का मान जब तक 0 नहीं आ जाएगा। और बस अगले स्टेप में जब फर्स्ट स्टेप करने के बाद अगले स्टेप में जाएंगे तो दो संख्या बदलेगी, वो किस प्रकार से बदलेगी उसको भी देखते हैं गुणा में, क्योंकि फॉर्मूला क्या कहता है v × q, ये गुणा में है तो q गुणा में प्लस में r आएगा शेष फल, शेष फल आपके पास कितना आया 4, ये आपने इस प्रकार से लिख दिया। अब इस कंडीशन को फिर आप दोहराओगे, क्यों दोहराओगे, क्योंकि r का मान जब तक आपके पास 0 नहीं आ जाए तब तक आप इसको रिपीट करते रहोगे। तो अपने फिर इसको आगे लिख चलेंगे, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पुनः यूक्लिड, मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ, विभाजन प्रमेयिका द्वारा, पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा। अब आपको बार बार ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको डायरेक्ट ये चीज फॉलो करनी है। और अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आएगा, क्या चेंज आएगा, जो आपके पास इस स्टेप के अंदर जो अगला स्टेप लिखोगे वहां पे आपके पास ए क्या होगा और बी क्या होगा, ये सबसे बड़ी चीज रहती है, ये आपको अच्छे से समझना है। तो जो आपके पास इस स्टेप के अंदर बी था वो तो आपका अगले स्टेप के लिए बन जाएगा ए, यहाँ पे बी की जगह कितना लिखा आपने 6 है, लेकिन इस स्टेप में जहाँ पे अगले स्टेप में हम इसको करेंगे वहां पे ये आपका 6 बन जाएगा ए, और जो आपके पास बचेगा आर वो आपका अगले स्टेप के लिए बन जाएगा बी, क्योंकि भाग करने के लिए दो संख्या आपको चाहिए और कहीं से तो लेनी पड़ेगी। तो आपका ये वाला आपको उठाना है ए और ये उठाना है आपको बी, इसको लिख देते हैं अपने, इसको लिखेंगे तो ये लिखिए ए की जगह मैंने लिख दिया 6 और बी की जगह लिख दिया मैंने 4। आप 6 के अंदर भाग दीजिए 4 का, कितने तक जाएगा 4 × 1 = 4, कितने बच गए 2, तो भागफल कितना आया
एक, और शेष पर कितना आया? दो। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक प्लस दो, ये आपके पास b था, ये आपके पास q था, ये आपके पास था r। तो क्या r का मान जीरो आया? नहीं आया, नहीं आया। तो एक बार फिर से इसको करना पड़ेगा, क्योंकि इस स्टेप को आप बार बार रिपीट तब तक करते रहोगे जब तक आपके पास r का वैल्यू जीरो न आ जाए। आपको फिर से आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा? पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का के द्वारा। अब अगले स्टेप में फिर वही प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अब जो आपके पास यहाँ पे जो आपने किया था सेम वही आपको करना है। ये जो आपके पास क्या था, ये आपके पास b था, वो अब आपके पास क्या बन जाएगा? a बन जाएगा अगले स्टेप के। और ये आपके पास था r, ये बन जाएगा b। तो लिख दो चार बराबर दो गुणा, अब चार के अंदर आपको दो का भाग देना है, तो दो दो है चार, कितना आया? जीरो। तो भागफल आया दो और प्लस में कितना आ गया? जीरो। r की जगह कितना आ गया? जीरो। और ये अपने को चाहिए। तो अपनी जो प्रोसीजर है यूनिट वजन प्रमेय का, कहाँ तक चलेगी? वहां तक चलेगी जहां आपको r का मान जीरो प्राप्त हो जाए। जीरो हो गया तो वही आपकी आपका सवाल खत्म हो जाएगा। अब देखिए आपको उत्तर कहाँ से निकालना है, क्योंकि अभी तक आपको उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। जो प्रोसीजर था वो कंप्लीट हुआ है, सवाल पूरा हुआ है, लेकिन उत्तर अभी तक आपका नहीं आया है। तो देखिए आर का वैल्यू कितना आ गया, तो आपके पास प्राप्त हो गया जीरो। आर का वैल्यू जीरो प्राप्त हो गया, जहाँ पे जीरो हो जाएगा वहीं आपका एच सी एफ प्राप्त हो जाएगा। और एच सी एफ का कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे इस स्टेप में ये वाली जो संख्या होगी वो आपका क्या हो जाएगा? वो जाएगा आपका एच सी एफ, वो जाएगा आपके पास एच सी एफ। और यही आपका हो जाएगा आंसर, उत्तर आपका यही हो जाएगा। एच सी एफ कितना आ जाएगा? दो। तो आप नीचे लिखोगे अतः, अतः संख्या कितनी थी? 616.6 का एच सी एफ दो प्राप्त होगा। अब आपका सवाल है वो पूरा कंप्लीट हुआ है। अब देखिए मैंने यहाँ पे दो चीजें साथ साथ में कराई है, कुछ रफ्तार ये भी किया और कुछ फेर का जो आपको करना है, क्योंकि क्वेश्चन को आप इस मेथड से कर सकते हो, इसको शॉर्ट भी कर सकते हो, लेकिन आपको शॉर्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर एग्जाम में आपको पूरा नंबर चाहिए, पूरे नंबर चाहिए, तो आपको जो इसका एक निश्चित पैटर्न है सवाल को उसी पैटर्न से करना होगा, तभी आपको पूरे नंबर दिए जाते हैं। तो ये इसका पूरा पैटर्न रहेगा सवाल को एक सिस्टमेटिक तरीके से करने का। फिर से एक बार देख लीजिए 616.6 का यूक्लिड वजन प्रमेय के द्वारा एच सी एफ आपको बताना है। आपने क्या किया, 616 इज ग्रेटर देन 6, ये मैंने इसलिए समझाया कि आपको पता चल जाए कि कौन सी संख्या आपको बाहर रखनी है और कौन सी संख्या अंदर, यानी कि कौन सा ए का मान है कौन सा बी का मान है। तो जो छोटी संख्या दी हो जाएगी वो आपके पास हो जाएगी बी का मान। अब देखिए जरूरी नहीं है कि मैंने 616.6 लिख दिया, मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 6.616। तो आपको यहाँ से समझना है कि ए का मान कौन सा और बी का मान कौन सा है। वो आपको कैसे समझाएगा, जब आप कैसे लिखोगे, यानी कि छोटी संख्या कौन सी है और बड़ी संख्या कौन सी है। जो बड़ी संख्या हो जाएगी वो आपका ए का मान हो जाएगा, जो छोटी संख्या हो जाएगी वो आपका बी का मान हो जाएगा। आप लिखोगे यूक्लिड वजन प्रमेय का द्वारा। अब एक्चुअल में यूक्लिड वजन प्रमेय का होती क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये आपको याद होनी चाहिए। फिर आपको इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, जो ए का वैल्यू उसको आप ए की जगह यानी कि बाहर की तरफ देखिए, ए की जगह बराबर बी की जगह आपने लिखा 6, फिर आप क्यू कहाँ से करोगे, 616 में 6 का भाग दोगे तो आपके पास क्यू आर दोनों प्राप्त हो जाएंगे, जो जैसे प्राप्त है उसको वैसे पुट कर दो। बस सवाल में आपको यह ध्यान रखना कि आर का वैल्यू जब तक आपके पास जीरो नहीं आ जाता तक आप उस स्टेप को बार बार दोहराते रहोगे। तो आपके पास यहाँ पे आर का वैल्यू 4 प्राप्त हुआ, इसलिए हमने फिर से किया। और अगले स्टेप में आपके पास ए और बी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी। कैसे बदल जाएगी, जो आपके पास पहले बी था वो अब ए बन गया है, यानी कि यहाँ पे देखिए 6 ए बन गया है, और जो आपके पास आर था वो अब बन गया बी। 6 के अंदर 4 का भाग गया एक भाग पर और दो शेष पर। अब आर का मान फिर आपके पास जीरो प्राप्त नहीं हुआ है, तो अभी फिर स्टेप अगला स्टेप में लेके जाएंगे, और अगले स्टेप में फिर आपके पास ए और बी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि जो आपके पास ये जो वैल्यू होती है अगले स्टेप में वो ए होता है, ये लीजिए, और जो ये वाली वैल्यू होती है वो आपके पास होता है बी। तो 4 के अंदर 2 का भाग दिया, 2 तक चला गया प्लस 0, तो आर का वैल्यू कितना आ गया, 0। जहाँ पे 0 हो जाएगी
वही आपका सवाल पूरा हो जाएगा, और वहीं से अपने को ये जो वैल्यू होती है वो आपके पास एचसीएफ हो जाएगा। तो यही अपने को याद करना। तो आज अपने इसको समझा है कि a बराबर bq प्लस r कहाँ से आया, किस प्रकार से आया, और इस पे आधारित प्रश्न आपको किस प्रकार से हल करना है। तो आज अपने इतना ही करेंगे ताकि क्लास ज़्यादा लंबी न हो। उम्मीद करता हूँ सवाल आपको अच्छे से समझ आया होगा, क्लियर हुआ होगा। साथ ही साथ आप नोट करें और बुक में इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उनको करने की कोशिश करें। क्या आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो कमेंट करके अवश्य रूप से बताएं, और अगली क्लास में अपने केवल इसके प्रश्नों को हल करने वाले। इसके साथ में अपने ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं कि जो एसटीसी एग्जाम है उसकी भी तैयारी अपने साथ साथ कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे पूछ रहे थे कि सर फॉर्म कब तक आते हैं। तो इसके फॉर्म अक्टूबर लास्ट तक या नवंबर में भरे जाएंगे, और दिसंबर या जनवरी के जनवरी तक इसका एग्जाम है वो कंडक्ट कराया जाता है। इसमें और राजस्थान से कुछ बच्चों का सिलेक्शन बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है, और उनको जैसे मैंने पहली क्लास में बताया था कि पर मंथ 2000 रुपये के अराउंड से जो स्कॉलरशिप है वो दी जाती है, वो आपको 11th में 12th में और ग्रेजुएशन में, और आप मास्टर ग्रेजुएशन कर रहे हो यानी कि पीजी कर रहे हो तब तक आपको ये 2000 रुपये पर मंथ दिए जाते हैं यदि आपका एसटीएससी परीक्षा में सिलेक्शन हो जाता है। तो आप साथ के साथ कक्षा 10 की मैथ कर सकते हो, और इसके साथ में आप एसटीएससी एग्जाम को भी अच्छे से कंडक्ट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ ये सब चीज़ें आपको क्लियर अच्छे से हो रही होगी। कोई भी आपका डाउट है तो कमेंट करके अवश्य रूप से बताएं, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना।